इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में टीम पाकिस्तान को इन दो बड़ी वजहों से मिली सरमनाखार। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सी है वो दो बड़ी वजह जिस कारण से पाकिस्तान को मिली है इंग्लैंड के खिलाफ सरमनाखार, बताएंगे उन दोनों ही वजहों के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आज एक हाई वोल्टेज वार्म अप मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आज पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी नहीं मैदान पर उतरी, उनकी जगह शान मसूद और हैदर अली पारी का आगाज करने आए। आपको बता दें कि इन दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। पहले विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 49 रन जोड़े, लेकिन तभी हैदर अली 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद शान मसूद भी 22 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर लिविंगस्टोन का शिकार हुए। तो वही शादाब खान 14 रन बना सके। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद 22 तो खुजदिल सा तो खाता तक नहीं खोल सके। आसिफ अली 14 रन बनाने में सफल रहे, जबकि मोहम्मद नवाज 10 रन बना पाए। वहीं निचले क्रम में मोहम्मद वसीम जूनियर ने 16 गेंदों पर 3 चौके और एक छक्के की मदद से 26 रनों का योगदान दिया, जिसके दम पर पाकिस्तान की टीम निर्धारित 19 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 160 रन बना पाई और न्यूजीलैंड के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 161 रनों का लक्ष्य रखा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिए। नसीम शाह ने फिल सॉल्ट को महज 1 ही रन पर चलता कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स के बीच छोटी मगर मजबूत साझेदारी देखने को मिली। इसी बीच बेन स्टोक्स 18 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 36 रन बनाकर मोहम्मद वसीम जूनियर का शिकार बने, तो वहीं एलेक्स हेल्स भी 9 रन बनाकर चलते बने। लिविंगस्टोन और हैरी ब्रुक्स ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन लिविंगस्टोन भी 16 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हैरी ब्रुक्स और सैम कुरन ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। आपको बता दें कि हैरी ब्रुक्स ने जहां 24 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 45 रनों की नाबाद पारी खेली, तो सैम कुरन ने 14 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 रनों की तेज तर्रार पारी खेल इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस मुकाबले में हार की दो बड़ी वजह निकल कर सामने आई है। एक तो बल्लेबाजी में बाबर और रिजवान का न बल्लेबाजी करना, साथ ही फील्डिंग के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का काफी खराब प्रदर्शन। ऐसे में इन दो बड़ी वजहों के कारण पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही वार्म अप मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।